अब देखिए मेरे एक छोटे भैया बहुत प्यारे से, मुझे नहीं पता था कि किसके भजन रोका जा रहा है। भैया आइए आइए। तो एक बार क्या होता है कि एक भक्त माँ का जागरण बोल देते हैं, और माँ का जागरण बोल करके कहते हैं कि आज करूंगा कल करूंगा, कुछ समय बीत जाता है, लेकिन माँ का जगराता कराना भूल जाते हैं। जय हो। कुछ घर में समस्या ऐसी आती है कि जब भी जागरण का याद आती है, लेकिन कुदरती माँ की जो कृपा ऐसी रहमत बनी कि तब भी जागरण नहीं कराते हैं। कुछ मनोकामना पूरी हो जाती है जिस समय, तो माता फिर अपने सपने में आकर के उनको दर्शन देती है कि भगत तैने मेरा जागरण बोला है, अब तो उस जागरण करा दे। तो भगत सुबह उठते हैं नहीं अपनी खैर घर में बताता है परिवार में कि भाई इस तरह माँ दर्शन दे के गई है और जागरण मेरे बोल रखा है, ठीक है जी कर देंगे। फिर भूल जाते हैं, माँ अपने ही जिद पे आ जाती है कि बेटा मैं भी तेरे से जागरण करा के रहूंगी, चाहे हो कुछ भी जाए। भगवान की कृपा से माँ कुछ अनहोनी ऐसी सामने ला देती है कि मजबूरन उसको जागरण कराना पड़ता है, और कहती कि वैष्णो देवी भाई तेरे पहुंचे पकड़ गए और घरवाली की चुटिया पकड़ गए, मैं भी बुला लूंगी, मेरे में भी वो शक्ति है पर जागरण करा के रहूंगी। माता जी अपने जागरण को किस तरह याद रखते और भगत क्या कहता है, लेकिन कुछ सामान फिर भी भूल जाते और क्या कह दिया माँ ने, अरे अभी क्यों आयो मनाए वे कू सिरा पानी के द्वार जो पानी के द्वार
हम सभी भक्त बैठ जाएंगे।